अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज ये वीडियो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पैरों पर पड़े जूतों के निशानात को किस तरह से ख़त्म किया जाए। अब गर्मियों का सीज़न है और इस सीज़न में लड़की हो या लड़का, बच्चा हो या बच्ची, या फिर औरत हो या आदमी, हर कोई खुले शूज़ पहनना पसंद करता है, स्ट्रिप्स वाले शूज़ पहनना पसंद करता है। इस दौरान अगर आपके पैरों पर शूज़ के निशान पड़ जाते हैं, जिस तरह से स्ट्रिप्स के निशान आपके पैरों पर पड़ जाते हैं, और आप लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हर आए दिन आप कोई ना कोई टोटका करते रहते हैं और इस तरह से इससे किसी न किसी तरह से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी वीडियो जब आप मुकम्मल तौर पर सुन लेंगे और इस पर जब आप अमल करेंगे, इस पर अमल करने से कुछ ही दिनों में आपकी खोई हुई रंगत आपको वापस मिल जाएगी और इससे आपको छुटकारा भी मिल जाएगा कि पैरों पर पड़े जूतों के निशानात को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। बहुत ही आसान सा टोटका है। इस पर अमल करने के बाद आप अपनी खोई हुई स्किन को वापस कुछ ही दिनों में लेकर आ सकते हैं। आपने सिंपल सा काम करना है, आपने आधा टमाटर लेना है, आधा लीमू लेना है और उसका रस निकाल कर टमाटर के अंदर डाल देना है, और उसके अंदर ही आपने आधा चम्मच बेकिंग सोडा का डालना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने अपने पाँव पर लगाना है। कुछ देर लगा के रखें, 10 मिनट के बाद आप अपने पैरों को धो लें या फिर साफ़ कर लें। कम से कम एक हफ्ता आपने लगातार ये अमल करना है, उसके बाद आप देखें आपकी रंगत में कितना फ़र्क आता है। ऐसा करने से आपके पैर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इस टोटके पर अमल करने से आपके पाँव बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएंगे और आपकी जो खोई हुई रंगत थी, जो आपके स्ट्रिप्स के निशान, जूतों के निशान आपके पैरों पर पड़ गए थे, वो भी खैर आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो परेशान होने की कोई भी ऐसी बात नहीं है, रिलैक्स होकर आप इस पर अमल करें। जब आप ये टोटका अप्लाई कर लें तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगी कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। कोई बात जो पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।